जब लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे कुछ पॉइंट वाला एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कौन से पॉइंट वाला आइडेंटिफाई कर पाते हैं और कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉइंट हम लोग समझ पाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है एक बॉक्स को ब्रेकआउट देता है और डाउन साइड आपको दिखेगा और उसको बड़ा बॉक्स को ब्रेकआउट देता आपको दिखेगा, जो कि पहला ट्रेडिंग सीजन में ब्रेकआउट दिया है, फिर लास्ट ट्रेडिंग सीजन जो खुला था वो गैप डाउन खुलने के बाद एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते ही उस सपोर्ट पर बाउंस करता है, फिर से उसी सपोर्ट के पास जो है एक साइडवेज मार्केट की तरह चलता है। लेकिन डाउन साइड मुझे थोड़ा कम थोड़ा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेडिंग सीजन शुरू हुआ था उसमें अगर देखेंगे तो यहीं से बाउंस करना मार्केट शुरू किया था और लास्ट उसी के पास अगर आके देखेंगे तो यहीं पे जो है एक साइडवेज की मार्केट बना रहा है। अगर देखेंगे तो डाउनसाइड अगर ब्रेक करता है 34,900, तो 34,900 ब्रेक करने के बाद वो सडनली एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, 34,750 एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता, तो आप 150-200 पॉइंट का जो है एक रैली कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसको ब्रेक करता है फिर प्राइजेशन बना के, तो आपको लास्ट जो पॉइंट मिल सकता है वो है 34,550 जो है एक सपोर्ट के तौर पे काम करता है। तो डाउन साइड आपको प्राइजेशन के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन अप साइड अगर ब्रेक करता है इस पॉइंट को 34,230-40 को, तो आपको एक अपसाइड सडनली रैली मिल सकता है, जो कि 100-200 पॉइंट का जो है आप सडनली कैप्चर कर सकते हैं। तो मार्केट अपसाइड और डाउनसाइड आपको दोनों टाइम जो है एक चॉपी बन सकता है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स बन रहे हैं, क्योंकि सडनली मार्केट जो है इसी जगह से ब्रेकआउट देना शुरू किया था, इसी जगह से जंप करना, फिर मार्केट जो है उसी जगह से घूम के उसी जगह पर आ गया। तो आप देखेंगे तो यहीं पर जो प्राइसन बन रहे हैं तो एक साइडवेज का बन रहा है, यहाँ पे भी अगर आएगा तो साइडवेज के तौर पे प्राइजेशन के तौर पे काम कर रहा है। तो डाउनसाइड आप थोड़ा कम देखें, अगर आपको प्राइजेशन मिलता है तो आप जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, लेकिन आपको प्राइजेशन के साथ काम करना पड़ेगा। पुट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। क्यों पुट पे ज़्यादा ध्यान देंगे? क्योंकि एक बॉक्स को ब्रेकआउट देता है आपको मार्केट दिखा है और यहाँ पर जो मतलब मोमेंटम बनेंगे, जो माइंड सेटअप होंगे वो डाउनसाइड थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो डाउनसाइड का जो प्राइसन है उस पर ज़्यादा फोकस करें। अपसाइड में थोड़ा सा कम है, क्योंकि अपसाइड अगर मार्केट दो दिन के बाद ओपन होने वाला है तो मार्केट अगर आप थोड़ा खुलता है तो आप इस लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखेगा, तो आपको अपसाइड भी 150-200 पॉइंट का जो है रैली दिख सकता है। लेकिन लास्ट पॉइंट अगर मार्केट इस जगह पर आता है 35,570 के पास, तो आपको फिर से जो है एक डाउन साइड दिख सकता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है मार्केट, इस जगह को बार बार सपोर्ट के तौर पे काम किया है, फिर से मार्केट अगर उस जगह पे आएगा तो एक रेजिस्टेंस के तौर पे इस जगह पे काम कर सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज़ एक नया वीडियो का एनालिसिस देख सके और स्टॉक मार्केट में क्या क्या नए नए अपडेट आ रहे हैं वो मैं आपको जरूर कमेंट करके बता सकता हूँ और वीडियो के तौर पर मैं बताते रहता हूँ और अच्छे स्टॉक का रिव्यू आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक में ऐसे पॉइंट जो है आपके लिए अच्छे हैं, आप अपने एनालिसिस के साथ उसमें काम कर सकते हैं। तो मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको समझा दिया कि डाउनसाइड जो है डाउनसाइड थोड़ा सा सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे क्योंकि मार्केट यहीं से शुरू हुआ है, फिर मार्केट वहीं पर घूम के वहीं पर आ रहा है, तो आपको जो है एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। मार्केट थोड़ा चौपी हो सकता है क्योंकि डाउनसाइड और अपसाइड जो है थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा, डाउनसाइड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अपसाइड अगर मार्केट निकलता है इस पॉइंट के ऊपर तो आपको थोड़ा सा जो है जगह मिल सकता है मार्केट को मूव करने के लिए, मूव करने की जगह मिलेगा तो मार्केट जरूर मूव करता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे जो वीडियो है वो मिल सके। तो अभी के लिए इतने धन्यवाद, हैप्पी ट्रेडिंग।